कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में डॉक्टरों के हड़ताल से मरीज हुए बेहाल, अस्पतालों में लगी लंबी कतार। कोलकाता डॉक्टर रेप केस की जांच सीबीआई करेगी, कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। डॉक्टर रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए आदेश, कहा तुरंत सौंपे दस्तावेज। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार, ममता सरकार पर आरोपी को बचाने का लगा आरोप। बीजेपी ने की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग, शिवेंद्र अधिकारी बोले घटना के लिए सरकार जिम्मेदार। सिद्धेश्वर मंदिर में 8 श्रद्धालुओं की भगदड़ से हुई मौत, दुकानदार ने लाठी भांजी, सीढ़ियों पर गिरने लगे लोग, एक दूसरे को रौंदते हुए निकले। राजस्थान में पत्नी के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव, पति ने बाइक से बांधकर खसीटा, वीडियो ने मचाया हड़कंप। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनवाएगी 21 मदरसे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को वापस भेजा घर, कहा पेरेंट्स को लेकर आओ। दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा, चेतावनी, निशान के करीब पहुंची यमुना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, कहा हमें अपने सैनिकों को बांग्लादेश में भेजना चाहिए और इस पर कब्जा करना चाहिए। पहले यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, अब हो रहा है सुधार, सीएम योगी बोले। दो लड़कों की जब से बढ़ी राजनीति ताकत, बढ़ गए हैं अपराधियों के हौसले, बीजेपी का राहुल अखिलेश पर निशाना। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर। दिल्ली में 15 अगस्त पर आतिशी नहीं, कैलाश गहलोत फहराएंगे झंडा, एलजी ने दी मंजूरी। अडानी मुद्दे पर बीजेपी से आर पार के मूड में कांग्रेस, 22 अगस्त को देश भर में करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की 17 अगस्त को मीटिंग, चुनाव नतीजों पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव में बहन के खिलाफ पत्नी को लड़ाना मेरी बड़ी गलती थी, बोले अजीत पवार। मुंबई में आज सोने के दामों में उछाल, सोना 71,620 रुपए तोला था, वहीं चांदी 83,500 रुपए किलो। सीएम केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई। गरीब बच्चों के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, इनकम का 50% हिस्सा पढ़ाई पर होगा खर्च। यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के सिनेमा घरों में फ्री में दिखाई जाएंगी फिल्में। 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कलेक्टर सहित 2 लोग हुए गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। इंदौर में 2 भाइयों के बीच मौत का खूनी खेल, बड़े भाई ने छोटे को मारी गोली, खुद भी कर लिया सुसाइड। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया।